स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी पाठ एक हमारी भाषा। बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ जवाब देती है, बेटा पहले हाथ मुँह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। बेटा जब अपने मन की बात अपनी माँ से कहता है तो उसकी माँ उसे उत्तर में जवाब देती है, तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है। जब हम अपने विचारों को अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसका माध्यम भाषा होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। वैसे पशु पक्षी भी बोलते हैं, कौन कैसे बोलते हैं, जैसे बादल बादलों का गरजना, कुत्ते का भौंकना, शेर का दहाड़ना और चिड़िया की ची ची, ये लोग भी बोलते हैं, पर इनकी बोली को हम भाषा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा बोली जाने वाली जो बोली है हम समझ नहीं पाते। भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण में भाषा के दो रूप को ही मान्यता दी गई है, पहला जो है मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप। पहला मौखिक रूप, हम अपने विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे रीना नेहा से टेलीफोन पर बात कर रही है। दूसरा लिखित रूप, भाषा के लिखित रूप में हम हमारे मन के विचारों को दूसरों तक लिखित रूप में लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। उदाहरण, नेहा अपने पिताजी को पत्र लिख रही है। तीसरा है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में हम अपने विचारों को संकेत के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे गार्ड ने हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का आदेश दिया। थैंक यू। भाषा के बारे में हमने पढ़ा, थोड़ा पुनरावर्तन कर देती हूँ। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को मौखिक रूप या लिखित रूप से दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप और तीसरा होता है सांकेतिक रूप। भाषा का लिखित रूप जो हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और भाषा का सांकेतिक रूप, संकेत के आधार पर, संकेत के द्वारा हम दूसरों को हमारे मन की बात समझाते हैं संकेत के द्वारा। उसके बाद हमने सीखा था बोली, बोली जैसे बादलों का गरजना, चिड़िया की चींची, कोयल की कूकू और शेर का दहाड़ना, ये भाषा ना कहकर बोली कही जाती है क्योंकि इनकी बोली हम समझ नहीं पाते हैं। ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये हमारी समझ से परे हैं। पशु पक्षियों की जो है उनको हम बोली कहते हैं, भाषा नहीं कह सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा लिपि। लिपि से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक भाषा, सभी भाषाओं का निश्चित रूप से कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, कुछ निर्धारित किए गए हैं चिन्ह। उन चिन्हों को लिखने का जो ढंग है, जो तरीका है, उसी को हम लिपि कहते हैं। परिभाषा, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं, इन चिन्हों का लेखन ही लिपि कहलाता है। जैसे कि हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा जो लिखी जाती है उसकी लिपि रोमन कही जाती है, उर्दू भाषा जो हम लिखते हैं वो फारसी लिपि में होती है, पंजाबी भाषा जो हम लिखते हैं उसकी लिपि होती है गुरुमुखी। ऐसे कई भाषाओं की कई अलग अलग लिपियाँ निर्धारित की गई है। अगला टॉपिक है हमारा व्याकरण। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान न हो तो भाषा में हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। हिंदी में व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र ही
व्याकरण कहा जाता है। यदि हमें हिंदी भाषा में व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है तो हम ना तो सही ढंग से लिख पाते हैं, ना ही सही तरीके से बोल पाते हैं और ना ही सही तरीके से पढ़ पाते। इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। उदाहरण देखते हैं, नेहा नाच रहा है, यह हमारा गलत वाक्य हुआ। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है लिंग किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। यदि यहाँ पे नेहा स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पे रहा है के स्थान पर रही है आना चाहिए था, तो नेहा नाच रही है, यही हमारा सही वाक्य हुआ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।